हेलो दोस्तों, आप हमारे आज शॉप को देखने वाले हैं। हमारी शॉप है ये। आज हम हमारी शॉप देखने वाले हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आता है, कैसा डिस्प्ले है, कैसे बैग्स लगे हुए हैं, ये आज आप देखने वाले हैं। और आखिरी में हम ये वाले स्काई बैग का एक प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू करने वाले हैं। सुरील मॉडल नेम है, इसका रिव्यू करने वाले। पहले आज हमारे शॉप देखते हैं कैसा है। ये VIP का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था। तो ये प्रोडक्ट नेम है इसका नेपच्यून, इसमें तीन साइजेस आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये सफारी का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। और ये आपका जोरो प्रो है, जो हमने रिव्यू किया था लास्ट वीडियो में, ये प्रोडक्ट है। स्काईबैग का है, इसका भी हम एक बार रिव्यू करने वाले हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। और इसका प्रिंटेड वाला क्या आता है, इसका बड़ा साइज ये वाला है। इसमें जैसे लगेज में जो है साइजेस आते हैं, तीन साइज आते हैं। सबसे जो छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, केबिन साइज है। ये वाले सारे जो ऊपर लगे हुए हैं, ये आप दिखा सकते हैं, कैमरे वाले को बोलूँगा मैं दिखाने के लिए। ये सारा केबिन साइजेस है। इसमें कोई 20 इंच है, कोई 19 इंच है, कोई 19.5 इंच है। तो ओवरऑल ये सारे केबिन साइज है, इसी केबिन में अलाउड होता है। तो इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, वेट अलग अलग होते हैं, प्राइसेस अलग अलग होते हैं। इसमें अलग अलग एक एक मॉडल हम रिव्यू करते हैं। तो इसके बाद फिर साइज आता है मीडियम साइज़। हम मीडियम साइज़ देख सकते हैं, ये सारे हमारे लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सारा मीडियम साइज है। इसमें अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं। हमारा मल्टी ब्रांड आउटलेट है, तो हम अलग अलग ब्रांड के साथ डीलिंग करते हैं। तो ये वाले देखेंगे, अब पन्नी चढ़ा हुआ है इसमें पैक्ड है, क्योंकि काफ़ी महंगे पीस है। और ये डोर के सामने ही है, बिल्कुल डस्ट वगैरह ना लग जाए, नया पीस कोई मांगे तो, इसलिए हमने पन्नी चढ़ा हुआ है। कोई कस्टमर बोलते हैं, हम दिखा देते हैं खोलते को। तो इसमें ये सारे मीडियम साइज़ होते हैं, इसमें अलग अलग प्राइसेस आते हैं। तो साथ ही फिर बात करें इसका, बड़ा साइज जो चेकिंग बैग होते हैं, ये सब नीचे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक ये लास्ट साइज है। उसी तरह हमारा जो गैमे प्रोडक्ट है, ये गैमे का प्रॉपर हम सेगमेंट दे रखे हैं, ये पूरा गैमे का प्रोडक्ट है। इसमें जो मॉडल्स गैमे के आते हैं, यहाँ पे हमने लगा रखा है। और ये स्मॉल साइज वही केबिन साइज है, ये आपका मीडियम साइज आएगा गैमे का, ये सारे लार्ज साइज है सर। अब ये देख सकते हैं नीचे लार्ज साइज चल रहा है। कुछ बैकपैक्स के रेंज अभी कम है, और लैपटॉप बैकपैक भी आते हैं, सफारी का है, गैमे का है, ये आर्टिकॉक्स का है। तो लैपटॉप बैकपैक और नॉर्मल बैकपैक ये मिक्स है हमारे साथ। तो और भी बैकपैक्स रेंज होते हैं, जैसे कस्टमर बोलते हैं तो हम बैकपैक्स अंदर से निकाल के और भी बैकपैक्स दिखाते हैं। तो इसके अलावा फिर लैपटॉप बैग में बात करते हैं, तो लैपटॉप बैग भी होता है हमारे पास, जैसे ये आप देख सकते हैं लेदर ऑफिस बैग्स वगैरह है। तो इसमें भी रेंजेस है काफ़ी, ये 8-10 बैग यहाँ पे लगे हुए हैं। तो और भी रेंजेस हमारे पास है, उसके साथ बात करेंगे। ये ओवर डफल बैग्स की, डफल बैग ही आता है हमारे पास, जैसे स्काई बैग का है, सफारी का है, VIP का है। तो डफल बैग की रेंज यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर रखा है, हमारे पास जगह कम है। और भी हमारे पास रेंज स्टॉक है, जैसे कस्टमर आते हैं दिखाने के लिए बोलते हैं, हम और दिखा देते हैं। तो साथ ही बात करेंगे ओवरनाइटर का है, ये ओवरनाइटर जो लैपटॉप ओवरनाइटर होते हैं, उसके भी ये 2 रेंज है हमारे पास है, और भी रेंजेस है वो मिल जाते हैं। तो आज हम रिव्यू जो करने वाले हैं, ये स्काई बैग का प्रोडक्ट है, सुरील मॉडल नेम है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, तो आज हम इसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। ये बिल्कुल पैक पीस है, अभी नया हमने जस्ट उतारे हैं इसको, मतलब स्टॉक आया हुआ है, हमने इसे सामने लगा रखा है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही प्यारा वाइब्रेंट कलर है, और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है इसका। और इसमें साइजेस तीनों आते हैं, और ये तीन साइज़ में, ये स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है। हम अभी एक ये मीडियम साइज़ का रिव्यू करने वाले हैं, मीडियम साइज़ का अभी रिव्यू करने वाले हैं कैसा क्या है। तो ये मीडियम साइज़ के बारे में अभी देखेंगे कैसा है। और ये मीडियम साइज़ है, जो कंफर्टेबल मीडियम साइज़ आते हैं उसके हिसाब से ये देखा जाए, थोड़ा स्पेसेस है इसका, स्पेस ना काफ़ी अच्छा है, मतलब देखेंगे इसका डेप्थ जो है वो काफ़ी है। और फैब्रिक की बात करें, इसकी जो फैब्रिक यूज़ किया गया, ये नायलॉन फैब्रिक है, बहुत टफ है, इसमें जैसे डस्ट वगैरह कैच नहीं करता। और फैब्रिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक है। और हैंडल की बात करें, हैंडल जो है फैब्रिक को कटअप करके बनाया गया है, पूरी सीट के साथ हैंडल बनाया गया, ताकि कई बार हैंडल यहाँ पे अटैच करते हैं बाकियों में, तो यहाँ से स्ट्रेचिंग वगैरह निकलने का चांसेस होता है। बट ये जैसे हैंडल बनाया, इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी फैब्रिक के साथ बनाया गया है, और साइड में पूरी स्टिचिंग किया गया है। तो डिज़ाइन भी अच्छा आता है, मजबूती भी रहता है दोनों चीज़। और साथ ही बात करें इसकी साइड की, साइड पाइपिंग कर दिया गया है। आप जैसे देखते हैं एयरपोर्ट में बैग को जैसे फेंकते हैं ना, तो कॉर्नर में घिस जाते हैं, तो ये कॉर्नर घिसेगा नहीं, तो कॉर्नर के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दे रखा है। और साथ ही एक साइड पाउच दे रखा है, ये पॉकेट, जैसे आप ट्रैवल करते हो, न्यूज़पेपर हो गया, कोई छोटे मोटे चीज़ हो गया, वो साथ में आप इसमें यहाँ पे कैरी कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन आपको ये मिल रहा है। साथ ही इसकी जो ट्रॉली की बात करें और व्हील की बात करें, ये आपको मैचिंग ट्रॉली वगैरह आ रहा है इसमें, आप देखेंगे बाकी में ये अलग ब्लैक कलर का आता है, बट ये बैग के साथ मैचिंग हैंडल है, ट्रॉली है, व्हील है और लॉक।
तो ये हैंडल आपको दोनों साइड हैंडल मिलने वाला है, जैसे ये आपको साइड हैंडल दिखाया है वैसे टॉप हैंडल भी है ये वाला, आप ये देख सकते हैं ये वैसे ही बना हुआ है इसका टॉप हैंडल। और साथ ही बात करें इसकी जीपर की, और जीपर ऑब्वियसली ये प्रीमियम क्वालिटी है तो इसमें एंटी थेफ्ट जीपर मिलने वाला है आपको। और साथ ही इसकी जो कूलर है वो काफ़ी हैवी है और अच्छा भी है और बहुत ही स्मूथ है चलने में। और साथ ही इसकी बात करें इसकी एक्सपेंडर ऑप्शन की, ये जैसे बैग्स में शॉप में यूजली एक्सपेंड आता ही है तो इसमें आपको एक्सपेंड का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे थोड़ा स्पेस अगर कम पड़ जाए तो आप इसको 1.5 से 2 इंच तक एक्सपेंड कर सकते हो जो कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। और काफ़ी ये हेल्पफुल होता है जब बैग बंद नहीं होता सामान पैक करते हो, उस केस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो साथ ही बात करें इसका साइड पॉकेट की, आपको एक साइड पॉकेट मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंस्टेंट यूज के लिए है, जैसे आप अचानक बैग खोल दिया और सामान निकाल लिया तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ ही आपको एक पॉकेट ये मिल रहा है, ये बड़ी पॉकेट है, ये काफ़ी स्पेसेस मिलने वाला है, यहाँ पे शूज आप कुछ भी चप्पल वप्पल स्लीपर ये डाल सकते हो, ये काफ़ी स्पेसेस मिलने वाला है यहाँ। साथ ही ये आउटर पॉकेट की एक बेनिफिट है, ये लॉकेबल है, आप इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हो, ये साइड क्लिप दे रखा है लॉक कर। व्हीलिंग की बात करें, इसकी व्हीलिंग जो है वो काफ़ी हैवी व्हील है, आपको अच्छे से दिखाते हैं। और ये 8 टायर्स मिलने वाला है इसमें और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, आप देख सकते हैं। मैं चला के इसको दिखाता हूँ ट्रॉली के साथ कैसे हो रहा है, आप देखो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट अच्छा है, 360 डिग्री मूवमेंट है इसका, आप देख सकते हैं चलाने में काफ़ी आसानी होती है। और वैसे ये मीडियम साइज़ है और छोटा साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इसका, उल्टा भी चला सकते हो, एक साथ 2 बैग भी लेके जा सकते हो, तो मैं 3 बैग भी ले जाऊँगा ऐसे, अगर मेरे साथ अगर तीनों सेट होगा तो मैं ऐसे सामान लगा के कैरी कर सकता हूँ कोई इशू नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो कोई दिक्कत। तो अंदर से इसका फीचर देखते हैं कैसा है, आइए इसके अंदर से देखते हैं। आज ये लॉक तो TSL लॉक है, TSL लॉक के बारे में मैंने कई बार वीडियो में बताया, जो TSL लॉक आता है जो US कनाडा के लिए वो आपको पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो पिछले वीडियो में देख सकते हो TSL लॉक कैसे होता है, लॉक के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं। तो साथ ही बात स्पेस की बात करें, इसमें ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेप्थ इसका आप देख सकते हैं, काफ़ी गहरा ही है। ये चीज़ लगेज में ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो ये चीज़ अगर कई बार ये छोटी कर देते हैं तो आपको स्पेस कम मिलता है, यहाँ तक लगेज की नॉर्मली यहाँ तक होती है, बट ये इसकी डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सामान आने वाला है, देख सो मेरा हाथ पूरा अंदर घुस रहा है, तो ये काफ़ी सामान इसमें आने वाला है। और साथ ही बात करें इसकी पाउचेस के लिए, यहाँ पे आपको एक पाउच मिल रहा है जो गीले कपड़े रखने के लिए वेट पाउच है, और एक ये आपका ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पे बकायदा लिखा है क्या क्या मॉडल्स आते हैं तो इसमें लिखा होता है, और एक ये विजिबल पॉकेट है। और जैसे आप पैंट कोट वगैरह या साड़ियाँ या सूट वगैरह कैरी करते हैं या ब्लेजर वगैरह लेते हैं तो उसके लिए अलग से आपको ये कंपार्टमेंट मिलता है ये वाला, और जब आप एक्सपेंड कर देते हो तो ये स्पेस और बढ़ जाता है, तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है एक्सपेंड होने के बाद, काफ़ी स्पेसेस मिल जाता है। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कपड़े वाले में प्लेन आते थे, इसमें थोड़ा प्रिंटेड डिज़ाइन कर दिया गया है, ये प्रिंट भी काफ़ी प्यारा है इसका, और साइज़ भी बहुत अच्छा है, व्हीलिंग भी अच्छी है, लॉक भी अच्छी है, तो ओवरऑल एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ये, और ये आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसकी प्राइसिंग के बारे में देखते हैं, इसकी प्राइसिंग के बारे में देखते हैं तो इसका जो सबसे छोटा साइज़ है ये आप छोटा साइज़ का MRP देख सकते हैं, ये आपका 9,800 रुपये का MRP है, तो ये आपको 4,800 के रेंज में कॉस्टिंग करेगा, 4,900 50% ऑफ इसमें। तो साथ ही बात करें इसका जो चेक इन बैग है, ये कैबिन बैग हो गया सबसे छोटा साइज, उसे लेग साइज़ जो होता है ये चेक इन बैग है सबसे बड़ा साइज़ है, इसका जो MRP है 13,800 रुपया है, ये 6,750 के आसपास आ रहा है कॉस्टिंग कर रहा है, 6,800 के आसपास ये कॉस्ट करेगा। और साथ ही बात करें मीडियम साइज़ का, और ये मीडियम साइज़ है, ये 11,800 रुपये का है, ये 5,900 के आसपास कॉस्ट करेगा। और कई बार मेरे को ना ये टी शर्ट के लिए लोगों ने कमेंट किया है और फ़ोन भी किया है कि ये टी शर्ट आपका 2 बार वीडियो में देख लिया ये फटा हुआ है, एक्चुअली ये फटा नहीं है, ये थोड़ा स्टाइल है, और ये सर्दी में हाथ को ऐसे फंसाने के लिए दोनों साइड दे रखा है, तो कई बार मेरे को कई लोगों ने फ़ोन भी किया है, पसीना आ गया, AC बंद कर दिया, आवाज़ आ रहा है इसलिए, तो देख रहे आप कितना पसीना बहा रहे हैं हम, तो अगर आपको अगर हमारी मेहनत दिख रहा होगा, अब ठंड का टाइम है फिर भी पसीना आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है घूम घूम के बोलना, तो AC इसलिए हमने बंद कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो अगर आपको हमारी मेहनत दिख रहा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी जानकारी आपको मिलता रहेगा, जैसे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जितने वीडियो हम बनाएंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।